आवाज किसी जिस्म के वाइब्रेट करने की वजह से पैदा होती है। जब कोई जिस्म वाइब्रेट करता है तो आवाज पैदा होती है। अब आवाज की समाअत कैसे होती है? आवाज की समाअत के लिए हमारे जिस्म में एक एजाम मौजूद होता है जिसे हम कान कहते हैं। आइए मैं आपको कान की साख के बारे में चंद मालूमात फराहम करती हूँ। सबसे पहले जो हमें कान का हिस्सा नजर आता है वो है इसका बैरूनी कान की लू। असल में सुनने में ये मदद नहीं देती, इसका जो अंदरूनी कान की सारा स्ट्रक्चर होता है वो सुनने में मदद देती है। आवाज जो है सबसे पहले एयर कैनाल में दाखिल होकर होती हुई एयर ड्रम से टकराती है और एयर ड्रम तेजी से वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। जब ये वाइब्रेट करता है तो आवाज को आगे मुंतकिल करता है और ये आगे एक ओवर विंडो होती है, उसमें से गुजरती हुई हड्डियों की तरफ पथरी होती है, उसे तोड़ने के लिए भी अल्ट्रासोनिक इस्तेमाल हो सकती है। इसी के साथ हमारा लेक्चर आज खत्म। नहीं तो ये आज तो मैं इसी को कर दिया, सही करती हैं। पानी ओ पानी पहले था ड्रम ना रखी संभाली।